con nami change crushers alia como dice na malinga chu malinga mate eta are content বিনোদ নিয়ে আসলে অনেক কিছু হয়ে গেছে, বাপ মেয়ের সম্পর্ক বানাই গেছে, সেই জায়গায় প্রাইভেট ট্রিটি করে ছেলেকে মেয়ে বানিয়ে দিয়ে তারপর সুইমিং পুলের মতো করে বালতির মধ্যে বসে স্বাগতম সবাইকে বিচরেকশনে। আজকে আমরা দেখব কি দেখবে, স্লে পয়েন্ট ভিডিও, স্লে পয়েন্টের কিউএনএ এর একটা ভিডিও আছে, যে ভিডিওটা দেখলে খুবই মজা পাবে, যে ভিডিওটার নাম হচ্ছে রিচ লাইফস্টাইল এক্সপোজড। মানে হচ্ছে ইউটিউবারদের, ইউটিউবার যারা আছে তাদের লাইফস্টাইল নিয়ে যে বিষয়টা। হ্যাঁ, এখানে আমার মনে হয় যেটা মানে টাইটেল শুনে মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউটিউবারের লাইফস্টাইল সম্পর্কে তারা ডিসকাস করবে। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি, তারপর এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। इसके ओनर है एक लड़का और लड़की, लड़के का नाम है अभिषेक। अभिषेक मेरा नाम, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि एबी के बाद जो भी मन करे लगा दो। अभ्युदय का अभिषेक, अभिमन्यु, अबू धाबी, अबला नारी, नाम ही चेंज करो फिर से। इनका भी नाम हार्ड है, पर इजी करने के लिए कोई सूजन वोकांडा या सूजन वोल्टास ऐसी तो नहीं बुलाता ना, इसीलिए ना कॉमन इजी नाम रखना चाहिए। जैसे लड़की का नाम है गालिया, कॉमन इजी नाम गालिया। इसको देखते ही आपके मन में क्या आ रहा है, गालिया वही रख देते हैं, गालिया। अभिषेक की उम्र है 51। अपने माँ बाप से पहले पैदा हो गया था, ऐसे फैक्ट्स तो आई डेफिनेटली डिडंट नो भाई। और गालिया की उम्र है सिर्फ और सिर्फ 10 साल, और गालिया उनकी बेटी है, ये किसी को नहीं पता शायद ही, पर गालिया उनकी बेटी है। गालिया दशरी तो जा जाके पानी लेके आ बाप के लिए जल्दी। बाप बाप बैठ के, गई बाप के पैर दबा। एक सेकेंड, माँ कौन है, माँ कौन, अगर माँ खोजो। मलिंगा हमारे नाम पे कुछ भी मलिंगा होता है, उनके पास प्राइवेट जेट्स। अबे बात तक प्राइवेट नहीं है हमारा, हफ्ते टाइम 10 बार खटखटा के फ्लो बिगाड़ देते घर वाले। सो गए क्या, अरे मर गए क्या, भाला बॉडी मेजरमेंट सब यूट्यूब पे, चेस्ट वेस्ट नहीं और नीचे मेजर मत करो, अच्छा बाइसेप ठीक है, ठीक है। ये मेरे दर्जी ने यूट्यूब चैनल तो नहीं खोल लिया, बाइसेप कम बता रहे हो वैसे भी। तो आप क्योंकि बहुत टाइम हो गया है Q&A क्या मनोरंजन किया क्या कंटेंट, थॉर के शादी में ऐसे ही नाचेगा स्पाइडरमैन। माँ बाप को ऑनलाइन क्लास बता के अंदर सटकेली मकड़ी डांस हो रहा है, अरे कॉन्टेंट दो अंधेरी कैसे जाते हैं रामदेव बाबा के हाथी पे। मुंबई का निखिल की शादी कब होगी, मैं उनका केटरिंग वाला दिखता हूँ, बैंड वाली हूँ मैं, हमें क्या पता। किंडरगार्टन के जोकर विनोद, भगवान बचा लो, आगे से कोई क्यों नहीं करेंगे प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान बचा लो, बचा लो प्लीज। क्या तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारा खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस है, द ऑफिस। अरे वहां भी चीख दिया, जहाँ चीखता हूँ वहाँ कुछ खुल जाता है यार, उस दिन तो ऐसा चीख के गिरा पूरा अभ्युदय नगर पैदा हो गया। सर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी काम, भाई आप कॉमर्स हो यार और टॉपर भी हो तो मेरे को अकाउंट्स पढ़ा दोगे प्लीज। अरे रुको यार, अभ्युदय एकेडमी जाओ पढ़ लो। अगर आपको एक हॉरर मूवी की स्टोरी लिखने का चांस दिया जाएगा तो आप कैसे स्टोरी लिखना पसंद करोगे, ऐसी स्टोरी जिसमें चुम्मा चाटी ना हो, ये सब देखते टाइम भूतों से नहीं पेरेंट्स से डर लगता है। अलोन ऐसा अलोन होना है मुझे भी। कभी ऐसा कोई वियर्डेस्ट फैन मोमेंट हुआ हो आपका, ऐसा बहुत होता है कि आपके तरफ बिल्कुल देखते हुए स्माइल करते हुए कोई चल के आए, इधर ही देख रहा है लगता है सब्सक्राइबर है, शायद सेल्फी ले ले, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना,
भाई ये अंधेरी कैसे जाते हैं? जब आप अमेरिका गए थे तब आपको ऐसी वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज पसंद आई थी जो आप चाहते थे कि वो इंडिया में भी हो? व्लॉगिंग करने का फ्रीडम। यहाँ तो लॉकडाउन व्लॉग के लिए जैसे ही मॉल में कैमरा निकाला सिक्योरिटी वाले आ गए थे। हमने सोचा ठीक है शक्ल से चोरी लगते हैं। नहीं, उन्होंने हमसे हमारा कैमरा मांगा और वहाँ पे शूट हुई सारी क्लिप्स डिलीट करवा दी। जबकि वही साइड में लड़कियाँ इंस्टा स्टोरी पे स्टोरी बना रही है पूरे मॉल का, उनको कुछ नहीं। चलो ठीक है, रूल्स है। पर सल्यूट टू इंडियन व्लॉगर्स भाई, आप लोग क्या क्या झेलते हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जॉब कर रहे हो या आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो तो आप क्या उन्हें बताते हो? अब जॉब का क्या प्लान है? आंटी मैं बस अभी यूट्यूब पे वीडियो। ड्रग्स, ड्रग्स करता है ये अब बस। ड्रग्स करता है ये भी ठीक है। ये तो बुद्धि नहीं। गरीबों के सामने शो ऑफ। पर इसमें आप कौन हो? अरे कंटेंट के लिए कोई भी खुद को 12 साल के लिए टॉर्चर नहीं कर रहा। और वैसे भी इस बार तो अच्छा खेल रही है। 2 days later बाहर हो गए। ये खरीद के बैठा था मैं, पैसे बर्बाद। भाई शादी करोगे मुझसे? आपसे दांत से। सॉरी आपके मसूड़े ना। नो पठाए लोग लाइन मारते हैं ये दांत। मैं महिला बैंक से बोल रहा हूँ, बोली किसी का ब्लेम करनी है आपको? एक आदमी है मिल गया, यही है वो। चेहरा तो चेक कर ले। तो कैसा लग रहा है ट्रेंडिंग पेज पे आके? पता नहीं भाई, कुछ दिख तो नहीं रहा। प्लीज कैन यू बाय मी एन एप्पल मैकबुक प्रो? थैंक यू। प्लीज कैन यू सेंड 1 lakh rupees फॉर द सेम? थैंक यू। पर अपने तुमने खैनी खाना छोड़ दिया? छोड़ दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। क्या गिराया तूने? एक मिनट। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग या एनॉइंग मोमेंट आपकी स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में क्या रहा है? तो मैं 9th तक ऐसे बॉय स्कूल में था जिसकी हॉबी थी सबको बस लड़की बना देना ताकि एनुअल शो में फीमेल डांस हो सके। बॉय स्कूल में तो वो बुलाते थे 20 रुपए वाला मेकअप आर्टिस्ट जिसका काम था बस मुंह पे 2 बाल्टी चूना रगड़ना और आंखों पे कोयले की ऐसी आउटलाइन लगे मुक्के खा के आए नाचने। मस्त टीका भी है जो फेविक्विक से चिपकाया था, घर जाके उसको अलग डिटर्जेंट से छुड़ाओ। पनवाड़ी वाले होट एक्स्ट्रा भाई अंदर से मर चुका था उस दिन। बॉय स्कूल में लड़की सॉरी भूतनी बनने से ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं है। मेरा सवाल है कि लोडिंग अच्छी है, आप दोनों का रिश्ता कैसा है? गालिया उनकी बेटी है ये किसी को नहीं पता, शायद गालिया उनकी किसी को बेटी पता होगा क्योंकि आज तक उन्होंने नहीं बताया, पर गालिया उनकी बेटी है। My question is how did you guys feel when Binod started being more popular than you guys? एक तो ये शुरू हुआ रीडिंग कमेंट्स वीडियो के 2 हफ्ते बाद जो हमें समझ नहीं आया, शायद तुम लोग का इंटरनेट स्लो है पता नहीं, पर हमें लगा एक दिन का चीज है खत्म हो जाएगा। पर फिर इंस्टा FB ट्विटर बड़े बड़े कंपनीज के सोशल मीडिया वाले इस विनोद ने असल में आने की ट्रेंड 2 हफ्ते चल गया भाई। हम आपस में हंस रहे थे कि जिस तरह का ट्रेंड था ना ये 2 दिन भी डिजर्व नहीं करता था, बट ये इंटरनेट है, यहाँ सेंस उतना ही है जितना गौतमी के सर पे स्ट्रेट बाल। So after the Binod trend and the Netflix featuring you both, how is your reaction towards it? तो विनोद से पहली बार 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हुए, Netflix ने हमें नोटिस किया और हम वेरीफाई हो गए। तो मजा तो बहुत आया। मजा आ गया। 4 साल मेहनत करो और वायरल क्या जाता है? विनोद तुम लोग पूरा टाइम वीडियो बनाते हो या थोड़ा स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग ऐसा कुछ करते हो? प्रश्न बल्ले से मारोगे हमने ना बोला तो? मैं खेलता हूँ फुटबॉल फुल किट पहन के, फुटबॉल लेके बैठ के टीवी के सामने सारा दिन पास। यस मैच फुटबॉल काफी कसरत हो जाती है उंगलियों की। मैं स्विमिंग भी कर लेती हूं। स्विमिंग पूल में बाल्टी से स्विमिंग करते हैं। ओके सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो? ये 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 ये, ये, ये वाले से तो कतई नहीं भाई। आई 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 So that is it for today guys. Like करो इस वीडियो को, subscribe करो हमारा चैनल को, Instagram वगैरह पर please follow कर दो, link description में दी हुई है। We'll see you in the next one. पढ़े रहो बस, तुम ऐसे भी और करते क्या हो, late के ही देख रहे होगे ये वीडियो है ना। उठो। Describe each other in one word. आलसी। त्रिदुकुल। कौन मुकुल? त्रिदुकुल। French है छोड़ बाद में देख लेना। Thanks यार। तब तो समझ आया नहीं, अभी देखते हैं।
फ्रेंच में तो स्वीट लग रहा था। आप पढ़ना आता है पागल और যাই হোক, স্লে পয়েন্টের সবগুলো ভিডিও আমাদের অনেক ভালো লাগে, আর ওদের এই কিউএন এর যে ভিডিওটা ছিল সেটা আসলে অসম ছিল। হ্যাঁ, এটা খুবই ফানি ভিডিও, কারণ এখানে দেখাচ্ছে যে ওদেরকে বাপ মেয়ের সম্পর্ক বানায় দিয়েছে, আর ওকে 10 বছর আর ওকে 51 বছর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে সাধারণ জনগণ হচ্ছে মানুষকে ইউটিউবে যাদেরকে দেখে ফলো করে তাদেরকে এক একজন সম্পর্কে এক এক ধরনের ধারণা করে। এটা অন্য, হ্যাঁ অন্য ইউটিউবার ওদের বিষয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছে যে ওদের লাইফস্টাইল সম্বন্ধে, হ্যাঁ সেইখানে দেখাচ্ছে যে এই বিষয়গুলো, কিন্তু যে বানিয়েছে তাকে তো তাদের উপরে স্টাডি করতে হবে, স্টাডি না করে তো সে আসলে এই ধরনের ভিডিও বানাতে পারে না। তারপরও মানে এটা সে বানিয়েছে এই কারণে যাতে তার ভিডিওগুলো চলে, হ্যাঁ কারণ স্লে পয়েন্টের ভিডিও সবসময় ভালো হয় এবং তাদের দর্শকও ভালো, তো সেই কারণে সে তাদের সম্পর্কে আজগুবে একটা কথা বলে ফেললো, আর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে এটা দেখার জন্য কী ঘটনা ঘটেছে ভিতরে, সে কারণে সবাই দেখতে চায়। তো যার আমার মনে হয় সেই দিকটা বিবেচনা করে সেই ধরনের ভুলভাল কথাবার্তা সে তার ভিডিও, হ্যাঁ ভুলভাল কথা ইউজ করেছে, শুধু তারা না আরও অনেকেই এরকম ইউজ করে ভিডিও বানিয়েছে। যেমন দেখাচ্ছে যে স্লে পয়েন্টের ওদের হচ্ছে প্রাইভেট জেট আছে, তো তারা যেটা বললো যে তাদের নিজের ওয়াশরুমই নেই আলাদা, সেই জায়গায় প্রাইভেট জেট কি করে হয়, কিভাবে চিন্তা করে। আসলে সবাই তো এই ধরনের হাই লাইফ লিড করে না, যারা ইউটিউবার ইউটিউবার মানে যে তারা হাই লাইফ লিড করবে তা তো নয়, কারণ সবাই একটা মিনিমাম আর্নিং এর মধ্যে আছে, আবার কারো কারো হয়তো আর্নিংই নেই। তো এটা ডিপেন্ড করে আসলে কার ফ্যামিলির স্ট্যাটাস কেমন হয়তো বা তার উপর ডিপেন্ড করে। তবে ওভারঅল যেটা হচ্ছে সবার প্রশ্নগুলো খুব ফানি ছিল, ওদের আনসারগুলো খুব মজার ছিল। হ্যাঁ, আর ওর একটা জিনিস যেটা ওর কলেজের কথা বললো, সে যে কলেজে মেয়ে সাজ ছিল সবসময় মেয়ে সাজে অনেকগুলো চুনটুন মেখে আর কি, তারপরে চোখের শ্যাডো ট্যাডো পরে যেগুলো বললো, এটা খুবই ফানি। আসলে স্কুলে কিন্তু ছোটবেলায় এরকমই হতো, যদি মেয়ে না থাকে তাহলে কোনো একটা ছেলেকে মেয়ে বানিয়ে দিয়ে তারপর নাচের জন্য স্টেজে উঠিয়ে দেওয়া হতো। আর হচ্ছে যে এখানে একজন কোয়েশ্চন করলো যে তোমরা কি সারাদিন ভিডিও বানাও না অন্য ধরনের খেলাধুলাও করো, তখন তারা ভয়ে দেখালো না আমাদেরকে তো না বলার কিছু নেই, আমাদেরকে খেলতেই হয়, সেজন্য সে ঘরের ভিতর ফুটবল নিয়ে খেলছে। তারপর হচ্ছে মেয়েটা খেলছে আর মেয়েটা আছে সুইমিং পুলের মতো করে বালতির মধ্যে বসে, এটাও ফানি লেগেছে। আর ওদের বিনোদের ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছিল, ওই ভিডিওটা তো আমরাও দেখেছিলাম যে ওদের প্রথম ভিডিওটা যেটা ছিল সেটাতে খুবই অল্প সময়ের জন্য বিনোদের নামটা নেওয়া হয়েছিল, অ্যান্ড তারপর 2 সপ্তাহ বিনোদ নিয়ে যা হয়ে গেল অনলাইনে ইন্টারনেটে ফেসবুকে, তো তারপর বাধ্য হয়ে তারা শুধুমাত্র বিনোদের উপরে আরেকটা ভিডিও বানিয়েছিল এবং সেই ভিডিওটা অনেক মজার ছিল। তো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে স্লে পয়েন্টের ভিডিওগুলো সবসময় খুব ফানি এবং মজার হয়, এবং ওদের পরবর্তী ভিডিও আসলে আমরা আবারও ওদের ভিডিও দেখবো এবং ওদের ভিডিও নিয়ে আমরা রিয়েক্ট করব। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আমরা আর কোন কোন ধরনের ভিডিওতে রিয়েক্ট করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।